हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में सरकारी योजनाओं का भाग तीन हम कवर करेंगे। इससे पहले दो भाग आ चुके हैं, भाग एक और भाग दो। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आपको वो देखने हैं और उसके बाद आपको भाग तीन देखना है। इसमें पहले मैं 2019 के करवा रहा हूँ कवर सारे। सेंट्रल स्कीम मैंने कवर किए थे पार्ट वन में, स्टेट के स्कीम कवर किए थे पार्ट टू में, और ये पार्ट थ्री है। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों के कवर करूँगा और पहले 2019 के हम खत्म करेंगे और फिर 2018 के जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे उनको कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियो आएंगे और MCQ प्रैक्टिस भी हम साथ साथ कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट स्कीम्स का कोई भी क्वेश्चन आप टैकल कर पाएं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए अब शुरू करते हैं भाग तीन। सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम राज्य की एक स्कीम है, वन फैमिली वन जॉब। वैसे सिक्किम में अब सरकार बदल गई है, क्योंकि ये वाली जो स्कीम है ये सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चैमलिंग ने शुरू की थी, और अभी जो सरकार है वो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी की, जिसके हेड यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त उनका नाम है प्रेम तमांग। पार्टी का नाम भी याद रखिए, क्योंकि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी जो है ये 2013 में बनी थी और अब 2019 में ये 6 सालों के अंदर ही सत्ता में आ गई है। ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, और इसके अंदर ये था स्कीम के अंदर कि हर फैमिली का एक मेंबर कम से कम जो है वो गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए स्टेट में। क्लियर, हर फैमिली जिसके अंदर कोई भी मेंबर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उसमें कम से कम एक मेंबर जो है वो सरकारी नौकरी में होना चाहिए। ये थी वन फैमिली वन जॉब स्कीम। इनमें से कौन से राज्यों ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना शुरू करी? जय किसान ऋण मुक्ति योजना मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू की ये योजना। इसमें 50,000 करोड़ रुपए वर्थ किसानों का ऋण माफ किया जाएगा, तो ये लोन वेवर या डेट वेवर स्कीम है जो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लॉन्च की, जय किसान ऋण मुक्ति योजना। इससे 55 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फायदा होगा, 55 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अमा घरे एलईडी योजना ओडिशा गवर्नमेंट की है, और इस स्कीम में 95 लाख फैमिलीज हैं जिन्हें 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। एलईडी बल्ब जो होते हैं ये लगभग 90% तक कम बिजली खाते हैं जितने कि नॉर्मल इनकैंडेसेंट बल्ब्स यूज़ करते हैं। हमारी जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी एक स्कीम स्टार्ट की थी, आपको याद होगा, उजाला योजना। तो उजाला योजना भी जो है ये भी इसलिए थी कि जो नॉर्मल बल्ब हैं उनको एलईडी से रिप्लेस किया जाए। तो इसमें जो ओडिशा गवर्नमेंट के बेनिफिशियरीज हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम में जो रजिस्टर हैं वो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। अमा घरे एलईडी ये लेटेस्ट योजना है 2019 की। सौभाग्य योजना भारत में उसकी नोडल एजेंसी क्या है, यानी वो संस्था जो इसको ऑपरेशनलाइज करती है, लागू करती है सौभाग्य योजना को, वो कौन सी है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, पावर ग्रिड, REC या PFC? ये टफ क्वेश्चन है। सौभाग्य योजना बोलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना को, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। तो REC जो है ये इसकी नोडल एजेंसी है। REC बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को, और सौभाग्य योजना का जो टारगेट है वो ये है कि भारत के हर घर में बिजली पहुंचे। ये योजना 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की थी। एक बात याद रखिए, सौभाग्य योजना के अंदर एक चीज और है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाते हैं जो APL और पुअर फैमिली हैं दोनों को, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में पुअर फैमिलीज को। तो मैं रिपीट करता हूँ, बेसिकली चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, दोनों के अंदर ही हर घर में बिजली देनी है। रूरल एरिया में जो अबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के ऊपर और जो गरीबी रेखा के नीचे, दोनों को ही दिए जाते हैं फ्री कनेक्शन, और जो अर्बन एरिया है इनमें सिर्फ जो पुअर है उन्हें दिए जाते हैं। तो ये योजना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद गवर्नमेंट ने वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस करा रेयर डिजीज के लिए, राष्ट्रीय आरोग्य निधि इसको बोलते हैं। इसमें यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई रेयर डिजीज है तो रेयर डिजीज वाले व्यक्ति को एक ही बार एक मुश्त पेमेंट दी जाएगी सरकार की तरफ से, जिससे वो अपना इलाज करा सके। क्लियर, लेकिन ये उनको दिया जाएगा सिर्फ जो गरीबी रेखा के नीचे हैं।
बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उनको दिया जाएगा एक ही बार, एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेयर डिजीज़ क्या होते हैं। रेयर डिजीज़ इनको हम ऑर्फन डिजीज़ भी बोलते हैं। ये वो होते हैं जो बहुत कम पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपको पता होना चाहिए कि रेयर डिजीज़ कौन से हैं, जैसे हीमोफीलिया, कई सारे इसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और इसके अलावा बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे कि डिस्कस या सिस्टमिक लूपस एराइथ्रोमेटोसस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉगरन सिंड्रोम, तो बहुत सारे रेयर डिजीज़ हैं ये। अगर ये हैं तो फिर सरकार वन टाइम लमसम अमाउंट देगी। राष्ट्रीय आरोग्य निधि है क्या? राष्ट्रीय आरोग्य निधि को पहले बोलते थे नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब जिसमें केंद्र सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय इसको चलाता है और 1997 में ये सबसे पहली बार स्टार्ट की गई थी। तो इसमें गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार हैं उनको पैसा दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, और एक ही बार उनको, जिससे वो महंगे हॉस्पिटल्स में भी इलाज करा सकें, इसीलिए एक ही बार सारा पैसा दिया जाता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दोनों मिलके पैसा लगाते हैं, तो 50% स्टेट का लगता है इसमें और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है। एक मिलता जुलता सवाल है, रेयर डिजीज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ऑब्जर्व करते हैं? रेयर डिजीज डे जो रेयर डिजीज है उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए होता है, तो ये मनाया जाता है फरवरी के लास्ट डे। तो आंसर है लास्ट डे ऑफ फरवरी। तो 2019 आप जानते हैं लीप ईयर नहीं है, तो ये 28 फरवरी को, और 2020 जो होगा ये लीप ईयर होगा, तो ये फरवरी 29। रिसेंटली भारत की सरकार ने, एक पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसमें इनमें से कौन से डिजीज को आधार बनाकर अब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक नहीं लिया जा सकता, यानी डाइवोर्स के लिए ये ग्राउंड नहीं हो सकता। अगर आपके पार्टनर को ये रोग है तो इसको आधार बना के आप तलाक नहीं दे सकते। ये रोग है लेप्रसी, कुष्ठ रोग। सो लेप्रसी को पर्सनल लॉज अमेंडमेंट बिल जो है उसमें संशोधन किया गया है और लेप्रसी रिमूव कर दिया गया है एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब होता है? सिकल सेल एनीमिया भी एक रेयर डिजीज है। इसमें जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं जिनकी शेप होती है बाइकॉनकेव, वो सिकल शेप हो जाते हैं, इस वजह से इनका जो एरिया है वो कम हो जाता है, और एरिया कम होने से, सरफेस एरिया कम होने से हीमोग्लोबिन को ढंग से ये एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ऑक्सीजन नहीं ले जा पाती है हीमोग्लोबिन, और बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस पर्सन को होती है। तो सिकल सेल अवेयरनेस डे जो है ये मनाया जाता है 19 तारीख को हर साल, 19 जून को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 19 जून सेकेंड। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने एक मिशन शक्ति के तहत एक अनाउंसमेंट करी, वो ये कि जो महिला स्वयं सहायता समूह हैं यानी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा इंटरेस्ट फ्री। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 3 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, इसका नाम है मिशन शक्ति। एक चीज़ और याद रखनी है, ओडिशा में लगभग 6 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, इन्हें 3,000 रुपए का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी सरकार देगी डिजिटली एम्पावर करने के लिए। डिजिटली एम्पावर करने के लिए 3,000 रुपए मिलेंगे हर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और इतना ही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया एंटरप्राइज, तो उसके लिए 15,000 रुपए तक का सीड मनी मिलेगा सरकार की तरफ से, और अगर वो स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो 3,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। सबूज साथी योजना कौन से राज्य की है? इसको अवार्ड मिला वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अवार्ड मिला। सबूज साथी योजना है वेस्ट बंगाल की, बाइसिकल शेयरिंग स्कीम है। अभी अभी एक बाइसिकल शेयरिंग स्कीम पौंडेचेरी ने भी स्टार्ट करी है। तो दो स्कीम है जिन्हें अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, एक तो है उत्कर्ष बांग्ला और एक है सबूज साथी। सबूज साथी स्कीम में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट 40 लाख बच्चों को, जो कि क्लास 9 से 12 तक के बच्चे हैं, उनको बाइसिकल दे रही है। तो ये याद रखिए कि बाइसिकल मिल रही है क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को, और ये बच्चे वो हैं जो या तो मदरसे में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ये स्कीम लॉन्च की गई थी सितंबर 2015 में। और दूसरी वाली जो है उत्कर्ष बांग्ला, ये वोकेशनल एजुकेशन देती है, वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल ड्रॉप आउट्स को, वो बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ये 2016 में कोलकाता में लॉन्च की गई थी। इंडिया पोस्ट ने महात्मा गांधी जी की जो 100
50th बर्थ एनिवर्सरी को यादगार बनाने के लिए कितनी पोस्टेज स्टैंप जारी करी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 7 अलग अलग तरह की डाक टिकट जारी करी गई हैं महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर। तो आंसर है इसका 7। और ये कौन कौन से कितने कितने रुपए की हैं स्टैंप, 5, 12, 20, 41, 22 और 25, दो स्टैंप 25 की हैं, तो ये टोटल है 7। और जल शक्ति अभियान अभी अभी लॉन्च हुआ है 1 जुलाई 2019 को, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लॉन्च किया है इसको। और पानी के संचय के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए भारत में हर जगह नहीं चलाया जाएगा, ये 256 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जाएगा जहां पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट जो हैं और ब्लॉक्स वहां चलाया जाएगा। इसके एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है, नया मंत्रालय बनाया गया था जल शक्ति, इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय जो है स्वच्छ पेय और स्वच्छता और साथ में जल संसाधन, रिवर डेवलपमेंट और इन सबको मिला के बनाया गया था। तो ये एक मंत्रालय है जल शक्ति अब, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो नमामि गंगे भी अब जल शक्ति के अंतर्गत आ गया है, गंगा की सफाई का अलग से जो मंत्रालय था वो खत्म कर दिया गया है। इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल शक्ति अभियान को दो चरणों में चलाया जाएगा, फेज 1 और फेज 2। क्या है फेज 1 और फेज 2? फेज 1 है दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए, साउथ वेस्ट मानसून, और उत्तर पूर्वी मानसून के लिए रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं फेज 2। तो फेज 1 चलाया जाएगा 1 जुलाई 2019 से 15 सितंबर 2019 तक और फेज 2 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक। 256 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल जिनमें चलाया जाएगा, बहुत सारे ब्लॉक्स में। और एक बात और याद रखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक भारत में 21 शहर हैं जो जिनमें भूजल खत्म हो जाएगा, इंडियन सिटीज जिनमें ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा 2020 तक ही। और 2030 तक 40% इंडिया की पॉपुलेशन है जिसको कोई एक्सेस नहीं होगा ड्रिंकिंग वाटर को। इतना ही नहीं, भारत की जो डिमांड है पानी की वो डबल हो जाएगी 2030 तक। उसके बाद बात करते हैं नल से जल। नल से जल का टारगेट है 2024 की भारत के हर घर में नल से जल आए, ठीक है, यानी कि पाइप्ड वाटर आए, लोगों को दूर ना जाना पड़े, उनके घर के अंदर ही पानी आए। ये है सरकार का नल से जल अभियान जो जल जीवन मिशन के तहत चलाया जा रहा है। जल संचय अभियान में इन पांचों चीजों पे फोकस किया जाएगा, पेड़ लगाने पे, क्योंकि जहां पेड़ होते हैं वहां बारिश काफी आती है तो उससे पानी बरसेगा, वाटरशेड डेवलपमेंट, पानी का दोबारा यूज करना और रिचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर जैसे टैंक, पॉन्ड, बावड़ियां वगैरह, इनके अंदर पानी का संचय करना, और ट्रेडिशनल जो हमारे परंपरागत तरीके हैं उनसे पानी का संचय करना, जैसे कि राजस्थान में हो रहा है जल स्वावलंबन अभियान, या जैसे तेलंगाना में हो रहा है मिशन काकाटिया या मिशन भागीरथ, ये दोनों चल रहे हैं तेलंगाना में। तो इसी तरह हमारे परंपरागत तरीकों से पानी का संचय करना, वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को भी इकट्ठा करना। इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं रखा गया है, ये माइंडसेट और बिहेवियर चेंज के लिए है जल शक्ति अभियान, कि लोगों में जागरूकता आए, वो अपना बिहेवियर चेंज करें जिससे पानी को बचाया जा सके। सो ये थे कुछ सरकारी योजनाएं और भाग 3 में। भाग 4 में मैं फिर कवर करूंगा सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कि मत्स्य संपदा योजना या सफूर्ति योजना जो शहद, बैम्बू और खादी के लिए चलाई गई है, तो ये सब योजनाएं कवर करूंगा पार्ट 4 में। तो देखते रहिए लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स। और मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू का जो करंट अफेयर ऐप है पॉकेट न्यूज़, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऐप है, डेली करंट अफेयर इस पे आते हैं और फोटोज़ और ग्राफिक्स के साथ आते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप पूरे इंटरेस्टिंग वे में कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। तो मिलते हैं फिर भाग 4 में गवर्नमेंट स्कीम्स के। थैंक यू सो मच।